Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start alternating current. So let us start numerical based on alternating current. Okay? See question number one. पहले आप ये समझ लें alternating current और direct current है क्या? जैसे कि previous session में हमने बताया भी है alternating current देख लें, ये है alternating current. अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, ठीक है. हाफ साइकिल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है. हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है ना. तो ये है अल्टरनेटिंग करंट एसी. और डायरेक्ट करंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, इस तरह चलता है, ठीक है. मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा है वो टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ये कांस्टेंट होता है. इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अंडरस्टैंड. इसलिए ये स्टेट, जब ग्राफ हम लोग स्केच करते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है. दिस इज डायरेक्ट करंट, इसे कहते हैं हम डीसी और इसे कहते हैं हम एसी, समझ में. तो आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया है, एन अलर्ट नोट कर लें आप, ना तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा, ठीक है. एन अल्टरनेटिंग करंट नोट कर लें आप, फिर से एक बार नोट कर लें. एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली. ये टाइम के साथ चेंज होता है, हाफ पॉजिटिव ऊपर हाफ और हाफ नीचे, ऊपर पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, समझ में आया. और ये जो होता है हमारा क्या, डीसी करंट. डीसी करंट इज डायरेक्ट करंट विच फ्लो विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होता है, ये हाफ ऊपर हाफ नीचे नहीं जाता है, ये सेम डायरेक्शन में जाता है, समझ में आ रहा है. चलिए अब आप न्यूमेरिकल देखेंगे और ये हमारी हाउस में जो करंट फ्लो करती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है. कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ध्यान में रखेंगे. न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ता है, आपको हाई स्कूल में भी बताया गया होगा इसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है. तो आप ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे आप. ए सर्कुलर क्वायर, ठीक है, ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 टर्न्स रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 प्रति सेकेंड, ठीक है, 40 प्रति सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस द क्वायर, ठीक है. ये पहला क्वेश्चन रहा. दूसरा क्वेश्चन हमारा काफी बड़ा है. दूसरा क्या है, ए रेक्टेंगुलर क्वायर ऑफ वायर, ठीक है, डायमेंशन 0.2 मीटर इनटू 0.1 मीटर, द क्वायर हैज 2000 टर्न, द क्वायर रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 वेवर पर मीटर स्क्वायर, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वायर इज 4200 आरपीएम. व्हाट डू मीन आरपीएम, रिवॉल्वेशन पर मिनट, ठीक है. कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द क्वायर एंड सेकंड पॉइंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द प्लेस ऑफ क्वायर हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन. तो अब क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करने जा रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर वन को देखेंगे, पहले हम लोग नोट कर लेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और निकालना क्या हमें. सर्कुलर क्वायर का जब एरिया दिया है, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे. एरिया दिया है कितना हमारा, एरिया दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और एन कितना दिया है 25 टर्न, ओके. एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा दिया है 40 क्या दिया, 40 पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड जो दिया है किसका,
किसका मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब बी इक्वल टू दिया कितना हमारा 0.05 टेस्ला। हमें निकालना क्या है, ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल ई नॉट इज क्वेश्चन मार्क। अब नोट कर लेंगे पहले से, हो गया। अब देखेंगे यहां पे, ये देखिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, बाकी सब हमारा एम के सिस्टम है। इस एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे हम, पहले एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 300। एरिया क्या हो जाएगा हमारा 300 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट कर लें, अभी हम मिटाएंगे इसे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे आप। E नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। क्या होता है फॉर्मूला, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस। ठीक है, E नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये फॉर्मूला होगा, इसी में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इतना नोट कर लें आप सारे। ठीक है, चलिए अब हम मिटाते हैं इसे और सॉल्व करते हैं। स्पेस हमारे पास बहुत कम है इसलिए थोड़ा सा अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए हमें निकालना क्या है, ई नॉट, ई नॉट इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा। ठीक है, चलिए एन कितना दिया है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न 25 इंटू बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, कितना दिया 0.05। एरिया कितना दिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 300 इंटू 10^-4 और ओमेगा दिया कितना 40। हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, देखेंगे 25 पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया और ये 0 है, ये 0 बढ़ गया। अंडरस्टैंड, इस 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 और ये 20 5 3 15 20, 2 फिगर के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2, ये हो गया 15 इंटू 10^-4। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो गया 10^3। ठीक है, इसे लिखेंगे हम 10^3 इंटू 1.5, से लिखेंगे इस पॉइंट को अगर रिमूव करें 1.5 इंटू 10 और इंटू 10^-4। नोट कर लें आप इतना पहले। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे, -4 में से +1 जाएगा, क्या बचेगा -3, और वो -3 +3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना हमारा 1.5 वोल्ट। नोट कर लें, दिस इज आंसर। ठीक है, नोट कर लें आप पहले इसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसे मिटा दें हम, समझ में आ गया होगा, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया और ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड। ठीक, मिटा देते हैं इसे। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्वेश्चन को रीड करके सारे हम गिवन डेट करके नोट कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को मिटा देंगे, हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर है डायमेंशन 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर, मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, एरिया कितना हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना दिया है, एरिया 0.2 इंटू 0.1। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा क्या, पॉइंट, ये 2 फिगर पर पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। द क्वायर है 200 टन, क्वायर का जो टन दिया है कितना है 200। ठीक है, द क्वायर रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ
एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 वेव आवर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मतलब बी इक्वल टू दिया है कितना हमारा 0.02 वेव आवर पर मीटर स्क्वायर। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वायर इज कितना दिया है 4200 आरपीएम। व्हाट डू मीन आरपीएम, आरपीएम माने होता है रिवॉल्वेशन पर मिनट, आरपीएम माने क्या होता है रिवॉल्वेशन पर मिनट, ये दिया है। मतलब क्या हुआ, रिवॉल्वेशन पर मिनट को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम यहां से डिनोट करते हैं 4200 आरपीएम रिवॉल्वेशन पर मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 4200/60, ये हो गया सेकंड, ठीक है, आर पी एस रिवॉल्वेशन पर सेकंड, समझ में आ गया। चलिए कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ई नॉट, हो गया ई नॉट हमें सॉल्व करना है, और क्या निकालना है हमें बताएं, स्टेनस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, स्टेनस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस क्या होगा ई स्मॉल ई, इस क्वेश्चन मार्क समझना है हमें, ये दो चीज निकालना है, नोट कर ले पहले से। आप जानते हैं E नॉट इक्वल टू क्या होता हमारा N B A ओमेगा, ठीक है, N B A ओमेगा। अब यहां पे देखेंगे ओमेगा नहीं दिया हुआ है, अब ओमेगा का फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा क्या हमारा एंगुलर स्पीड है, रोटेशन स्पीड है, और रोटेशन स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। यहां पे देखें f दिया है, f क्या कितना दिया है 4200 आरपीएम, मतलब रिवॉल्वेशन पर मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 4200/60, ये 00 कट गया, 6 7 42, 70 कितना जाएगा हमारा आरपीएस रिवॉल्वेशन पर सेकंड। इस ओमेगा की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये हमारा क्या एन बी ए ओमेगा, यहां पे 2πf सारे वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एन 200 बी, बी कितना दिया था, बी कितना दिया हुआ था हमारा जो क्वेश्चन में दिया था बी मैग्नेटिक फील्ड 0.02 वेवर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ था, ठीक है, तो 0.02 एरिया मल्टीप्लाई करेंगे किए हैं तो 0.02 आया है, ठीक है। चलिए इनटू 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये एफ दिया है 70, सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है, ये 70 काटेंगे 10 आ गया, 10 में 200 मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो गया। ध्यान से देखेंगे पहले हम पॉइंट को बाद में लिखते हैं, 22 to the 44 पॉइंट वाले फिगर को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, इनटू 2 to the 4 ये हो जाएगा क्या 4 फिगर के बाद पॉइंट लगेगा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 2 3 और 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए सब साफ सही नोट कर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इन सबों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा क्या 44 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 88000 इंटू 0.0004 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 88 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 और 3 35, कितने फिगर 0 हैं यहाँ पे, कितने फिगर है 1 2 3, अब यहाँ पे 4 फिगर बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आएगा कितना ये 35.2 वोल्ट, नोट कर लेंगे। ठीक, 35.2 वोल्ट आ गया। अब क्या निकालना था मुझे, दूसरा पॉइंट क्या था, स्टेनस वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्टेनस है ना, स्टेनस को हम इस वाली से प्रिंट करते हैं, ठीक है, मिटा दीजिए, स्टेनस हुआ चाहे एवरेज इलेक्ट्रोमोटिव इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज सेम, ठीक है, ये सब सेम होते हैं, वर्ड स्टेनस इंड्यूस ईएमएफ यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला
ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये ओमेगा टी इक्वल टू होता है क्या थीटा, ठीक है, तो हम यहां पर रख देंगे क्या ई नॉट साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना दिया था, कितना दिया हुआ था 30 डिग्री, ई नॉट की वैल्यू आया था 35.2 इंटू साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा 35.2 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जो सॉल्व करेंगे क्या देगा 17.6, क्या हो जाएगा ये वोल्ट, नोट कर लें, ठीक है, ये हमारा दो क्वेश्चन रहा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं वो किसी ना किसी साल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, और हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये आपको सेम क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।